सिद्धार्थ की शादी के बाद अब राजस्थान में हो रही है एक और ग्रैंड वेडिंग। राजशाही अंदाज में होगी इस एक्ट्रेस की बेटी की शादी। राजस्थान का एक और किला शाही शादी के लिए सज चुका है। आपको बताते चले, जहां आप और बॉलीवुड से कईयों लोग फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग करते हैं, तो वहीं सिद्धार्थ और कियारा ने भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस में अपनी शादी रचाई। और अब वहीं राजस्थान के एक और किले में शाही शादी आज यानी कि 9 फरवरी को होगी। टीवी एक्ट्रेस और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की बेटी शनैल भी राजस्थान के नागौर जिले के खेसर फोर्ट में 7 फेरे लेंगे। इस शादी की खबर सामने आने के बाद हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर स्मृति ईरानी के दामाद बनने वाले कौन हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि स्मृति ईरानी के दामाद कौन बनेंगे। स्मृति ईरानी के होने वाले दामाद का नाम अर्जुन भल्ला है, जो कि एक NRI है। वह MBA डिग्री होल्डर है और इन दिनों वह फैमिली के साथ कनाडा में रहते हैं। अर्जुन भल्ला के परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई है। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन ने अपने स्कूलिंग कनाडा के सेंट रॉबर्ट कैथोलिक हाई स्कूल से की है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लेजेस्टर से LLB की पढ़ाई की है। अब जिस किले में स्मृति ईरानी की बेटी की शादी हो रही है, उस किले की खासियत के बारे में बताते हैं। हिमसर किला राजस्थान का एक ऐतिहासिक किला है, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था, जो राव जोधा जी के 8वें पुत्र और जोधपुर के संस्थापक थे। बता दें कि यह किला राजस्थान के नागौर जिले से खेसर गांव के पास स्थित है। खेसर किले की अद्भुत सुंदरता के कारण इसे अब एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है और इसका एक हिस्सा शाही परिवार के वंशजों द्वारा कब्जे में है। खेसर किला पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से बेहद आकर्षित करता है और अद्भुत वास्तुकला और भव्यता की वजह से ये राजस्थान के सबसे सुंदर किलों में से एक है। बता दें कि किले शाही परिवार खेसर किला हेरिटेज होटल चलाता है और इसके स्टाफ के सदस्य भी किले के शाही दरबारियों के वंशज हैं। आपको बता दें कि बेटी शनैल की शादी के लिए स्मृति ईरानी ने खेसर फोर्ट को 3 दिन के लिए बुक किया है। 8 फरवरी से ही कपल की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं और गुरुवार यानी कि 9 फरवरी को दोनों 7 फेरे लेकर पति पत्नी बन जाएंगे। वेल, आपकी क्या राय है इस खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट की ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें JBT लाइव के साथ।